भारत माता की जय। फोन पीछे करो यार। सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस के इस पावन राष्ट्रीय पर्व पर हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। ये देश वीरों का देश और हमें इस बात का गर्व है कि आज पूरी दुनिया के अंदर हर भारतवासी शान से अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को फहरा रहा है। ये देश हमारी मातृभूमि है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, भारत देश कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माँ है, ये हमारी मातृभूमि है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। हमारे देश की जंगे आजादी में हजारों लाखों वीरों ने वीरांगनाओं ने बलिदान दिए, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ और आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो गणतंत्र राष्ट्र के रूप में हर एक भारतवासी झूम उठा और उसी खुशी में यह हमारा पावन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी बड़ी शान से धूमधाम से पूरे भारत में पूरी दुनिया में हर एक भारतवासी शान से मनाता है। हम सबको मिलकर अपने देश के प्रति अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं जो हमारे कर्तव्य हैं हम सबको उनका निर्वाह करना है। अपना भारत हमारी मातृभूमि हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, विश्व गुरु के स्थान पर भारत स्थापित हो, ये संकल्प लेके हर एक भारतवासी को काम करना चाहिए। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को भारतवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक संकल्प का दिन है, ये गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक शपथ लेने का दिन है। जिन वीरों ने जिन वीरांगनाओं ने इस आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए उनका कई बार इतिहास में नाम नहीं आता था, लेकिन आज जिस प्रकार से वीरों को सम्मान मिल रहा है ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, विश्व में हमारा एक नाम है, हम हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं। लेकिन आज हमें ये सोचना होगा इस राष्ट्र निर्माण में मेरा क्या योग है। हम हमेशा कर्तव्यों की ये अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य निभाना
हमारे लिए मातृभूमि के लिए जरूरी है। इस देश में हमने नदियों को माँ कहा है, इस देश में हजारों हमारे तीर्थ हैं, उन सभी का ध्यान करते हुए आज हम संकल्प लेंगे कि आने वाला वर्ष, आने वाला जो समय भारत का समय होगा और भारत फिर से विश्वगुरु और हमारी जो पताका है पूरे विश्व में फहराएगी।